तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब भाई। हर किसी के लाइफ में वो दौर आता है जब वो बड़ा होने वाला होता है, और ये दो लड़कियों के लाइफ में भी आता है। अब ऐसे में होता ये है कि लड़कियों को लड़कों में इंटरेस्ट आने लगता है, और जब किसी 14 से 20 साल की लड़की को किसी लड़के में इंटरेस्ट आने लगता है तो वो कुछ अलग सा ही बर्ताव करती है। और जब कोई लड़की ऐसा करती है तो उसकी बॉडी ना चाहते हुए भी कुछ साइन दे देती है, जिनके बारे में हम आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। साइन नंबर 1, अपने फ्रेंड से नोटिस करवाना। जब भी किसी 14 से 20 साल की लड़की को कोई लड़का पसंद आता है और वो उससे सेट होने वाली होती है तो उसको खुद तो नोटिस करती ही है, साथ में अपने फ्रेंड्स को भी नोटिस करवाती है और बोलती है, देख देख यही वो लड़का है जो मुझे दिन भर देखते रहता है। हालांकि देखती वो खुद भी होगी, लेकिन वो अपने फ्रेंड के आगे यही बोलती है कि आप उसे दिन भर देखते रहते हो। और इस वाले इंसिडेंस के बाद उसकी फ्रेंड भी आपको नोटिस करने लग जाएगी। लेकिन यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो लड़की आपको नोटिस कर रही थी और वो आपसे सेट नहीं होती है, तो यहाँ पूरे पूरे चांस है कि उसकी कोई ना कोई फ्रेंड्स आपसे सेट हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जो लड़की आपको सबसे पहले देखती थी, मतलब जिसने अपने फ्रेंड को आपको दिखाया था, वो कभी नहीं चाहेगी कि आपकी उसके किसी फ्रेंड से फ्रेंडशिप हो जाए। तो इस काम को आपको बहुत ही सोच समझ के करना पड़ेगा और तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि वो कहावत है ना, अगर तू नहीं तो तेरी फ्रेंड ही सही। बस यही सीन है। तो ये सिचुएशन अगर आपके साथ होती है तो समझ लो वो लड़की आपसे पटने वाली है, और ये सिचुएशन अगर किसी दूसरे लड़के के साथ होती है तो समझ लो जल्द ही उसके पास में बंदी आने वाली है। साइन नंबर 2, बहुत ज़्यादा बोलेगी। ये साइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइन है। जब भी कोई छोटी लड़की लड़के से पटने वाली होती है तो वो बहुत ज़्यादा बोलने लग जाती है, मतलब आप उसकी चोंच को कभी बंद होते हुए देखोगे ही नहीं, वो बोलती ही रहेगी। कभी अपने घर में बोलते रहेगी, कभी रास्ते में चलते हुए अपने फ्रेंड से बोलते रहेगी, उसकी जुबान किसी न किसी मुद्दे पर चलती ही रहेगी। ये पॉइंट उन लड़कों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा जिनके साथ में ऐसी सिचुएशन होती होगी। वैसे एक बात बताऊँ, आजकल 80% लड़कियाँ ऐसी ही है, उन्हें अपने से थोड़ा सा जानने वाला बंदा मिलना चाहिए। वो 2-4 घंटे कब निकाल देगी किसी को पता ही नहीं चलेगा। तो अगर किसी लड़की को आप ऐसा करते हुए देखते हो तो समझ लो वो पटने के लिए रेडी बैठी है। साइन नंबर 3, फ़ोन से चिपके रहेगी। आजकल के लड़कियाँ पटने के बाद और पटने से थोड़ा सा पहले जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा करती है वो है उनका फ़ोन से चिपकना। जब कोई लड़की ज़रूरत से ज़्यादा फ़ोन से चिपकती है तो उसके दो ही मतलब होते हैं, या तो उसकी सेटिंग हो चुकी है या फिर वो सेटिंग करना चाहती है। आजकल की लड़कियाँ सेटिंग करने से पहले फ़ोन से ही चिपके रहती है, और जब उनकी सेटिंग हो जाए तो भी वो फ़ोन से ही चिपके रहती है। केवल कुछ ही चंद लड़कियाँ ऐसी होंगी जो अपने स्मार्टफोन को स्मार्टफोन की तरह ही यूज़ करती है, नहीं तो ज़्यादातर जो लड़कियाँ होती है वो दो ही टाइप की होती है, जो मैंने आपको तीसरे साइन में बताया है। और ये मैं 14 से 20 साल की लड़कियों के बारे में बात कर रहा हूँ, कहीं तुम इससे ऊपर ना चले जाओ, तो इससे ऊपर मत जाया करो यार। तो दोस्तों, ये है कुछ वो साइन जो 14 से 20 साल की लड़कियाँ तब देती है जब वो पटने वाली होती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए हमारे इस चैनल को याद से सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट या सवाल हो तो नीचे कमेंट करना, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।